फंजाई के टॉपिक को हम पढ़े थे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की, यानी कि फंजाई की क्या खसूसियत या क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। अभी तक हमने फंजाई के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, हमने इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था, इसके अंदर रिप्रोडक्शन को देखा था या इसके डिफरेंट टाइप्स को देखा था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो जितनी भी टाइप्स हमने फंजाई की पढ़ी हैं या उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या उसका वे ऑफ लिविंग जो है वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जैसे कि नाम से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है, इकोलॉजिकल का क्या मतलब है। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड होता है, ठीक है, इको इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्ड होता है। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट में फंजाई की क्या खासियत है, क्या खसूसियत है, या वो किस तरह से हेल्प करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये कि हम जानते हैं कि फंजाई जो है वो एक डीकम्पोजर है, ठीक है। तो जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हम इसकी देखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ही हम ये मेंशन करते हैं कि फंजाई इज अ डीकम्पोजर। अच्छा, अब डीकम्पोजर होना, इसकी खसूसियत किस तरह से है, वो इस तरह से कि हम जानते हैं कि डीकम्पोजिशन का काम क्या है। बेसिकली ये करती है फंजाई कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, यानी कि कोई प्लांट है उसकी डेथ हो गया, या कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज को डीकम्पोज करना होता है, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जैसे कि प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, या लिपिड्स हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर, प्रोटीन्स हैं, प्लांट्स के केसेज में उनकी अपनी जो स्टोर्ड फॉर्म होगी, सेलुलोज होंगे, इस तरह के जो सब्सटेंसेज हैं वो उस फॉर्म में होंगे। तो फंजाई क्या करते हैं कि वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उनके उन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ फोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और फिर सिंपल ऑर्गेनिक से मजीद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये कन्वर्जन से होता क्या है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वापस एनवायरमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो साइकिल मेंशन किया वो क्या है, हमने कहा कि शुरू में जो है वो जिंदा चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और सिंपल से फिर मज़ीद जो है वो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लें या न्यूट्रिएंट्स के लें। अच्छा, अब ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की हम यहाँ बात करें, यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरह की चीज़ों की बात करें हम, ठीक है। अच्छा, अब ये जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये कहाँ जाते हैं, ये वापस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, और यानी यहाँ पर भी हम इसको मैंशन कर देते हैं कि ये चले जाएँगे एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में जाने के बाद क्या होता है, या तो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, तो अब होगा ये कि इस सॉइल से या एनवायरनमेंट में से जब भी ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को वापस अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेंगे, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। और यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ हम सॉइल को भी मैंशन कर देते हैं, एनवायरनमेंट प्लस सॉइल। अच्छा, तो ग्रीन प्लांट के की बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, और ग्रीन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो वो उनकी बॉडी का भी हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है, और यही ग्रीन प्लांट्स और यही एनिमल्स जब इनका डिके, यानी कि इनकी डेथ हो जाएगी, तो डेथ होने के बाद क्या, इनकी बॉडी बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल, और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो उनको जब डीकम्पोज किया जाएगा वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये एक साइकिल है जो कि पूरी दुनिया में चलता आ रहा है, वो तमाम एनिमल्स, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, या ग्रीन प्लांट्स हैं, या यहाँ पे हम एनिमल्स के साथ ह्यूमन बींग्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया का जो एक निज़ाम है जो हम देखते हैं कि खुद से चल रहा है, वो इस तरह से चल रहा है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो कौन किरदार अदा कर रहा है, वो है फंजाई, और फंजाई के साथ हम बैक्टीरिया को भी देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर डीकम्पोजर्स। अगर ये इनकम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह से ये हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की है, इस तरह से इसके अंदर मज़ीद और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ये जो मिनरल्स हैं ये सॉइल का ही हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि मुर्दा चीज़ों के साथ ही ये भी दफन हो जाएंगे, वापस एनवायरनमेंट में नहीं आ सकेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि फंजाई जो है वो डिकम्पोजर है, उसके साथ साथ क्या करे कि वो रिसाइकिलिंग करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसाइकलर, या इट प्लेज अ वाइटल रोल
इन रिसाइकलिंग। अच्छा, तो ये हमने डिकम्पोजिशन का और रिसाइकलिंग को देख लिया। इसके अलावा फंजाई के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट एसोसिएशंस पाई जाती हैं, जैसे कि माइकोरिजा है या लाइकेंस हैं। ठीक है, तो माइकोरिजा जो है, माइकोरिजा, ठीक है, माइकोरिजा को हमने कहा था ये वो एसोसिएशन है जो कि ग्रीन प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के दरमियान पाई जाती है। ठीक है, तो माइकोरिजल फंजाई जो है उनके बारे में कहा जाता है कि ये प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, दे इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। और हमने कहा था कि तकरीबन दुनिया में 95% ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर ये वाली एसोसिएशन जो है वो पाई जाती है, माइकोरिजल एसोसिएशन 95% प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी एसोसिएशन है जिसे हम लाइकन्स का नाम देते हैं, लाइकन्स जो है वो मोस्टली हमने कहा था कुछ तो डैम प्लेसेस में और उसके अलावा रॉक्स वगैरह के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकन्स क्या है, ये एसोसिएशन है एलजी और फंजाई की। तो लाइकन जो है जब ये रॉक्स के ऊपर पाए जाते हैं तो होता यह है कि समटाइम्स ये रॉक्स को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, चट्टाने जो हैं वो उनको तोड़ने का काम करते हैं। दे ब्रेक द रॉक्स, ये तोड़ने का अमल इतना सिंपल भी नहीं है, बट ओवर द सेंचुरीज ऐसे होता है कि रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं और बाकी जानदारों के लिए जो है ये जगह बन जाती है उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनका अपना एक लाइफ साइकिल जो है वो रन करने के लिए। तो ये हमने देख लिया लाइकन्स का फ़ायदा। इसके अलावा लाइकन्स का एक और इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो ये है कि वो दे कैन बी यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर। हवा के अंदर जो क्वालिटी है एयर की उसको बता चलाने के लिए हम लाइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। वो क्यों? बिकॉज लाइकन्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ फंजाई जो है हम उनको बायो रिमेडिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं, बायो रिमेडिएशन। अच्छा, बायो रिमेडिएशन क्या चीज़ है? यहाँ पर जब हम बायो इंडिकेटर का की बात करते हैं तो बायो इंडिकेटर सिर्फ ये बताता है, ठीक है, हमें कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों की प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बताता है, जबकि बायो रिमेडिएशन ये चीज़ होती है कि हम माहौल को साफ़ करने के लिए या आलूदगी या गर्दो गुबार को कम करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं वो आ जाते हैं बायो रिमेडिएशन के अंदर। तो कुछ फंजाएँ ऐसे हैं जिनको हम बायो रिमेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं। बायो रिमेडिएशन में क्या आता है हमारे पास? रिमूविंग पॉइजन या पोल्यूशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कि हम आलूदगी को, गर्द गुबार वगैरह को ख़त्म करें। तो ये हमने देख लिया क्या इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं और वो क्या है, वो है इसकी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, अच्छा, कमर्शियली फंजाई का क्या फ़ायदा है? फंजाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इकोनॉमिकली, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकली फंजाई हमें बहुत फ़ायदे देते हैं। और वो किस तरह से देखता है उसको भी हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फूड के अंदर, ठीक है, इन फूड, फूड के अंदर फंजाई हमें क्या फ़ायदे देते हैं? हम जानते हैं कि कुछ फंजाई जो हैं वो एडिबल होते हैं, यानी कि हम उनको खा सकते हैं। और एडिबल जो चीज़ें हैं या एडिबल फंजाएँ हैं उनके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? उनके अंदर हम कहते हैं कि तकरीबन 200 स्पीशीज़ हैं ऐसी जो कि खाई जा सकती हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मशरूम्स आ जाते हैं और मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, ट्रफल जो हैं वो ज़मीन के अंदर, ज़ेर ज़मीन जो हैं वो उगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको खाया जा सकता है, यानी इंसान इनको अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाइकन्स हैं जैसे कि, जिसके एग्जांपल में है रेनडियर मॉस, ये मॉस नहीं है, बेसिकली ये एक लाइकन है और ये भी फूड के तौर पे यूज़ होती है बट फॉर एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स हैं या रेनडियर वगैरह इनके फूड के लिए इसको यूज़ किया जाता है, रेनडियर यानी कि हिरन वगैरह। तो ये हम देख लेते हैं फंजाई या इसके अंदर स्पेसिफिकली मशरूम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड। कुछ फंजाई जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, जैसे कि स्टोड स्टॉल्स इनकी एग्जाम्पल है,
टूल्स। और ये क्या है, ये बेसिकली पॉइजनस फंजाई होते हैं। इसके अलावा अगर मशरूम्स में देखें, ये हमने कहा क्या ये है पॉइजनस, ठीक है। इसके अलावा मशरूम्स, मशरूम्स हमारे पास आता है मैनेटा या जैक ओ लेटर मशरूम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मशरूम हैं जो कि पॉइजनस भी होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि फूड इंडस्ट्री में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम फंजाई को यूज़ करते हैं इन फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन। अच्छा, फूड प्रोडक्शन क्या चीज़ है? इसके अंदर वो फूड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि फंजाई की मदद से बनाई जाती हैं। हमने पहले भी इसकी बात की है, हम जानते हैं कि फंजाई को हम फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है और उससे हमारे पास अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और फर्मेंटेशन के लिए हम किस चीज़ को, डिफरेंट जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जैसे कि यीस्ट को मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ब्रेड बनाने के लिए या बेकरी आइटम्स हैं हमारे पास, पिज्ज़ा वगैरह है, सब चीज़ों को बनाने के लिए हम यीस्ट को यूज़ करते हैं, ब्रेड एंड लीक्वर, ठीक है। ब्रूरी इंडस्ट्री के अंदर भी यानी कि ये यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है पेंसिलिन की। पेंसिलिन जो है, पेंसिलियम, बेसिकली पेंसिलियम है फंजाई का नाम। पेंसिलियम को यूज़ किया जाता है फूड के अंदर, चीज़ के अंदर स्पेसिफिकली, उसको फ्लेवर देने के लिए, अरोमा और उसका जो कलर है चीज़ का वो देने के लिए। अरोमा मतलब के खुशबू उसकी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एस्परगिलस। एस्परगिलस की जो स्पीशीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है सोया सॉस वगैरह के लिए, इन प्रोड्यूसिंग सोया सॉस या सोया पेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं फ्रॉम सोया बीन्स। इसके अलावा एस्परगिलस के ही कुछ और टाइप्स को यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। तो ये हमने देख लिया फूड प्रोडक्ट्स को, कि फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो बनाई जाती हैं वो विद हेल्प ऑफ फंजाई बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फंजाई का एक और फ़ायदा जो कि है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फंजाई को एंटीबायोटिक्स के बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं वो क्या है, वो है पेंसिलीन। पेंसिलीन जो है वो बेसिकली फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया गया था। ना सिर्फ पेंसिलिन बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक्स वो डिस्कवर की जा चुकी हैं और उनका जो सोर्स है वो फंजाई हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक तो हमने पेंसिलिन का नाम लिया, पेंसिलिन बेसिकली जिस फंजाई से आती है उसे हम कहते हैं पेंसिलिन नोटेटम। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास लोस्टैटिन। और लोवेस्टैटिन किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन की। और साइक्लोस्पोरिन जो है वो सॉइल के अंदर से फंजाई में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ है, इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। इन चीज़ों को भी हम साथ साथ मेंशन करते जाते हैं। हमने बात की है लोवेस्टैटिन की। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है एर्गोटीन, और इसको यूज़ किया जाता है मिग्रेन के इलाज के लिए, ठीक है। मिग्रेन जो है सर का शदीद एक किस्म का दर्द होता है जिसे मिग्रेन कहते हैं, तो एर्गोटीन इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है ग्लाइसियोफर्मिन। और ग्लाइसियोफर्मिन को हम यूज़ करते हैं टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ, यानी कि फंजाई की मजीद जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास एंटीबायोटिक्स की, जिसके अंदर है फ्यूमिगेटिन या सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख ली हैं एंटीबायोटिक्स की। इसके बाद हम देख लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कि फंजाई जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से यूज़ होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि फंजाई को यूज़ किया जाता है इन डाइज, ठीक है। कपड़ों को जो रंग किया जाता है उसके अंदर फंजाई को, और फंजाई के अंदर भी स्पेसिफिकली जो लाइकन्स हैं, लाइकन्स को यूज़ किया जाता है। और लाइकन्स का फ़ायदा ये होता है कि ये नेचुरल कलर्स देते हैं,
तो ये हमने देख लिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अलावा फंजाई का एक बहुत अहम किरदार है रिसर्च के अंदर। हम कहते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च करते हैं उसके अंदर हम फंजाई को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। और फंजाई को स्टडी करने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके अंदर जो इसकी ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इसको रिसर्च स्टडीज़ का हिस्सा बनाते हैं। और रीज़न क्या है? रैपिड जनरेशन, यानी कि इसके अंदर जो इसका जीन पूल है वो बहुत जल्दी से बनता है। यही वजह है कि इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे पास जैसे कि यीस्ट है, तो इसको डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि हार्मोन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ और चीज़ें जैसे कि पिंक ब्रेड मोल्ड है, तो उसको जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, पिंक ब्रेड मोल्ड, ठीक है? तो इसके ऊपर भी जेनेटिक रिसर्च की जाती है। इसके अलावा यीस्ट की जहाँ बात कर रहे हैं, यीस्ट को और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में किस तरह से यूज़ किया जाता है? ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो एक फॉरेन डीएनए है वो यीस्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है? फॉरेन डीएनए वो डीएनए है जिस चीज़ को हमने प्रोड्यूस करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में कि डीएनए जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है जी? डीएनए इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा कि यीस्ट जो है वो फॉरेन डीएनए को फॉरेन से एक्सेप्ट कर लेती है। फॉरेन डीएनए का मतलब है वो डीएनए जो बाहर से इसके अंदर डाला गया है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि यीस्ट के अंदर जो है वो प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो यीस्ट के अंदर जो प्लाज्मिड होंगे उन प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स। और ये वेक्टर्स क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते जाएंगे और इसकी नेक्स्ट जो जनरेशन होंगी उनके अंदर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होती जाएगी। इस तरह से हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हम एग्जांपल में देख लेते हैं इंटरफेरॉन को। इंटरफेरॉन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम यूज़ करते हैं कैंसर के रिसर्च के लिए। इसके अलावा हम डिफरेंट वैक्सीन बनाने के लिए, जैसे कि हमारे पास है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है? तो उसकी प्रोडक्शन के लिए भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च, यानी कि फंजाई को हम किस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। यहीं पे हम अपने इस टॉपिक को एंड करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? आज हमने इकोलॉजी इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई देखी, और इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के अंदर बेसिकली तो इसके फ़वायद और नुकसान दोनों आ जाते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पेसिफिकली सिर्फ उसके फ़वायद को देखा, और उसके फ़वायद में हमने इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखा। इसके बाद हमने इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस, और कमर्शियल इंपॉर्टेंस के अंदर फिर हमने देखा कि हम किस तरह से फंजाई को फूड के अंदर यूज़ करते हैं, फूड के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या फिर एंटीबायोटिक्स के अंदर इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च को देख लिया।